पंचामृत का एक घटक है सुरक्षितता, और सुरक्षा के प्रति हम लापरवाह हो ऐसी स्थिति तो बिल्कुल नहीं है। हम बहुत चिंतित हो जाए ऐसी स्थिति पहले कभी रही होगी, आज नहीं है, परंतु सतत सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हम तो सदा सारी दुनिया की मित्रता चाहने वाले, संपूर्ण दुनिया को अपना कुटुंब मानने वाले और संपूर्ण दुनिया के शांतिपूर्ण मधुर संबंधों की कल्पना करने वाले ही है। हम ऐसा ही चलते हैं, सरकार किसी की भी हो उसकी नीति इसी ही दिशा में चली है, हमारी परराष्ट्र नीति हमेशा इसी का समर्थन करने वाली रही है, उसके लिए आवश्यक वो सब हम करते हैं। परंतु फिर भी ये हमारा अनुभव रहा है कि हम अच्छे हैं, हम सबके कल्याण की कामना करते, हम किसी की शत्रुता नहीं करते, लेकिन दुनिया में हमारे शत्रुता करने वाले लोग हैं। कम से कम उनसे बचे रहने का उपाय तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के साथ अपनी भद्रता कायम रहे इसलिए हम अपने में कई प्रकार के परिवर्तन लाते हैं, लेकिन वहां परिवर्तन आने के बाद भी करने में कोई अंतर आता नहीं। पड़ोसी देश का हमने देखा, वहां चुनाव हुए, सत्ता बदली, भारत के सीमावर्ती प्रदेशों में, पंजाब, जम्मू कश्मीर में और सीमा पर उस देश के द्वारा जो किया जा रहा था पहले से, उसमें कुछ अंतर आया कि उसमें कुछ अंतर नहीं आया। हमको बचना तो पड़ेगा ही, और बचने का सबसे अच्छा तरीका यह रहता है कि इतना बलवान बने कि आक्रमण करने वालों को हिम्मत ही ना हो, क्योंकि हिम्मत हुई तो लड़ाई होगी, लड़ाई जब होती है तब हानि ही होती है। हम अहिंसा की बात ऐसे ही नहीं करते, लड़ाई करनी पड़ती है, लेकिन जब करनी पड़ती है दोनों के लोग मरते हैं, तो वो लड़ाई करने की हिम्मत ही ना करे हमसे कोई, इतना बलवान बनेंगे तो हमारे यहां भी शांति और दुनिया में भी शांति। इस दृष्टि से अपने सीमा सुरक्षा की चिंता करते समय हमारे सेना को साधन संपन्न बनाना, सारी दुनिया में बंधुभाव, शांति और सहनशीलता की बात करते समय भी बिना कारण ऐसे दुष्ट बुद्धि से दुश्मनी करने वालों के सामने हमारी सेना का मनोबल कम न हो और हम अपने बल का प्रदर्शन दुष्टों के सामने करते हैं, लेकिन ऐसा न हो कि हम युद्ध को रहे, इसमें एक संतुलन जो रखना पड़ता है, उस संतुलन को रखकर और पिछले सालों में हम जो चले, संपूर्ण भारत की हाल के वर्षों में दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ी है, उसके कारणों में ये भी एक कारण है कि हम ऐसे चले हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जिनको करना पड़ता है वो तो वहां सीमा पर है, घर से दूर, अकेले अपने साथियों के साथ, घर के लोगों के साथ नहीं है, तो उनकी सुरक्षा, उनके परिवारों की सुरक्षा का दायित्व किसका है? वो हमारा है। हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर सीमा पर जो बंदूकधारी खड़े हैं और गोली का जवाब गोली से देने की हिम्मत रखते हैं, जान जोखिम में डाल सकते हैं, उनकी चिंता कौन करेगा? इस बारे में अनेक कदम शासन प्रशासन के द्वारा और लिए तो उठाए तो गए हैं, थोड़ी गति बढ़ाने की आवश्यकता है। वहां हमारे जो सेना के जवान हैं, रक्षक बलों के लोग हैं,
उनको ये आश्वस्ति होनी चाहिए कि हम यहां लड़ रहे हैं, हमारे योगक्षेम की चिंता जिनको करनी है शासन प्रशासन वो कर रहे हैं, वो कर लेंगे, ये विश्वास पैदा होना चाहिए। और शासन प्रशासन उनकी एक जिम्मेवारी है, योगक्षेम की व्यवस्था वो बनाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में इन हमारे जवानों के परिवारजन तो समाज में रहते हैं, उस समाज के वातावरण में आस पास पड़ोस से उनकी पूछताछ होना, घर में आना जाना रहना, उनके कुशल क्षेम की चिंता करना, जैसे पड़ोस में हम एक दूसरे की चिंता कर लेते हैं वैसे उनकी भी चिंता हो, विशेष रूप से हो, यह दायित्व तो किसका है? यह दायित्व तो समाज का है। सरकार करे जो करना है, गति बढ़ाकर करे, कर तो रही है, और गति बढ़नी चाहिए, कुछ बातें अभी होनी बाकी है, वो होनी चाहिए, बात यह कहना ठीक है, लेकिन क्या हमने अपना देश सरकार को सौंप दिया है? देश तो हमारा है, सरकार सही सब बातों को तो हम चुनते हैं, हम भेजते हैं, हमारा दायित्व है कि नहीं? पहला दायित्व हमारा, अपने अपने गांव में रहने वाले, अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले जो सैनिक परिवार है उनसे अपना आत्मीय संपर्क होना चाहिए, उनके सुख दुख में अपना भागना दौड़ना होना चाहिए, इसकी चिंता करनी पड़ेगी।